हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्लम के बारे में। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्लम टेस्ट करके बताया था, और आज हम बात करेंगे कि स्लम जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो है वो होता है ट्रू स्लम। ट्रू स्लम ये जो होता है इट इज डिजायरेबल फॉर कॉन्क्रीट, मतलब हम ये जो ट्रू स्लम है हम इसे यूज कर सकते हैं, इस कॉन्क्रीट को हम यूज कर सकते हैं। इसका जो होता है, जो स्लम टेस्ट होता है वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये कौन इस टाइप का होता है, ये जो है यहां से यहां तक ये 100 mm का होता है, और ये 200 का होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो 300 mm की होती है। तो ये जो ट्रू स्लंप है, तो इसका कुछ स्लंप जो हम जब कोन में जब फील करते हैं उसके बाद जब इसको टेस्ट करते हैं तो कुछ इस टाइप का होता है। ये और यहां से जो इसकी डिस्टेंस आ गई ये होता है स्लम्प, इसको हम बोलते हैं ट्रू स्लम्प। और इस टाइप के कंक्रीट को हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने काम में, कास्टिंग में हम इस टाइप को ट्रू इसको यूज कर सकते हैं, और ये हो गया ट्रू स्लम। सेकंड जो है वो है शियर स्लम। सीयर स्लंप में क्या होता है, इट इज इट लैक्स कोहेशन इन कॉन्क्रीट, और इट कॉसेस सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। ये और इसका जो स्लंप होता है वो कुछ इस टाइप से होगा। जो एक कॉर्नर से जो नीचे को फेल हो जाए, जो फॉल हो जाए, उसको इसको हम बोलते हैं, इसकी जो स्लंप आएगी वो आएगी ये। इसकी वजह से एक्चुअली क्या है, इसे यूज कर सकते हैं लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। और थर्ड जो है वो हमारा है कोलैप्स स्लम। थर्ड है कोलैप्स स्लम। कोलैप्स वर्ड से ही पता चलता है, कोलैप्स गिर जाना। इसका जो स्लंप होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ये इसकी स्लंप हो गई, तो इसको तो हम यूज ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपका कोलैप्स हो रखा है। नेक्स्ट है आपका लास्ट जीरो स्लंप। इसका स्लम जो होता है टेस्ट कुछ इस तरीके से होता है। जैसा कोन है आपका बिल्कुल सेम फेस में, सेम प्रोसेस में बिल्कुल ऐसा ही निकल कर क्या है, उसे कहते हैं जीरो स्लम। ओके, तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ स्लम है। और आपने देखा होगा अक्सर, आपने साइड पे काम किया होगा, तो आप कोन जब स्लम टेस्ट करते हैं तो
कुछ इसी टाइप से आपका स्लम कोन खोलने के बाद आता है। तो जिन्हें नहीं पता है उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आखिर हमारा जो होता है वो कौन सा स्लम होता है, ट्रू स्लम, शेयर स्लम या कोलैप्स स्लम। तो नेक्स्ट टाइम से आप इस पर ध्यान रखिए।